अस्सलाम वालेकुम। कैडेट कॉलेज एडमिशन चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको कैडेट कॉलेज सनफजाल की एडमिशन की डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले कैडेट कॉलेज सनफजाल में ओ लेवल और एट क्लास की जो एडमिशन हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 7 अक्टूबर 2022 और इसका रिटन टेस्ट होगा 23 अक्टूबर 2022। तो अभी मैं आपको इसका एलिजिबल जो बच्चे हैं उनका क्राइटेरिया बताता हूँ। वो तमाम बच्चे आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से या बैरून मुल्क जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी एज एज ऑन 1 अप्रैल 2023 12 साल से कम ना हो और 14 साल से ज़्यादा ना हो, वो तमाम बच्चे एलिजिबल हैं। वो तमाम बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से बच्चे हैं जिसकी अप्लाई नहीं कर सकते? वो तमाम बच्चे जिनके फुट फ्लैट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनकी नींद आके वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके कोई एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूटी हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिन बच्चों को हेपेटाइटिस सी है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिन बच्चों को बवासीर है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको इसकी एंट्री टेस्ट की फ़ीस बताता हूँ। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के जितने बच्चे हैं उनकी एंट्री टेस्ट फ़ीस है 7,000 रुपये और जो बच्चे सऊदी अरब, यूएई या कहीं बाहर से अप्लाई करेंगे तो उनकी फ़ीस है 60,000 रुपये एंट्री टेस्ट फ़ीस। तो इसके 4 रिटन टेस्ट होंगे। रिटन टेस्ट में 4 पेपर होंगे, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और साथ इनका एक पेपर होता है इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज का भी, जिसको आप वो भी साथ बच्चे को तैयारी करानी है। तो इसका जो मैथ का पेपर होगा उसमें टोटल इन्होंने जो सिलेबस में दिए हैं वो 6 चैप्टर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ पहला है अर्थमेटिक, दूसरा चैप्टर है सेट्स, तीसरा चैप्टर है अलजेब्रा, चौथा चैप्टर है मेंसुरेशन, पांचवा है ज्योमेट्री और छठा है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये इसका मैथ का सिलेबस है। इसी तरीके से उर्दू का पेपर होगा। उर्दू का पेपर 200 पर तकसीम होता है, एक हिस्सा होता लाजमी, एक हिस्सा होता अख्तियारी। लाजमी हिस्से में मजमून, इशार और तफहीम और अख्तियारी हिस्से में जुमलों की बनावट, वहद जमा, अल्फाज मुफजात, खाली जगह पुर करना, गलत फिक्रात को दुरुस्त करना। आगे इंग्लिश ऐसे, कंप्रीहेंसिव, ग्रामर। उसके बाद आप आ जाए साइंस पे। तो साइंस में इनका पहला चैप्टर मॉडल ऑफ सेल, 2 नंबर पे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, 3 नंबर पे स्टेट ऑफ मैटर्स, 4 नंबर पे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, 5 नंबर पे ट्रांसफर सिस्टम इन लिविंग थिंग और आगे है इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये साइंस का है सिलेबस जिसमें से पेपर आएगा। तो 4 पेपर हो गए, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया और एक पेपर होगा इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज का। तो मैं रिपीट कर दूं कि इसकी लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 7 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर इसके रिटन टेस्ट है। और ये सनफजाल कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इससे पाकिस्तान की 60% ब्यूरोक्रेसी तैयार होकर जा रही है, क्योंकि इस पाकिस्तान के 60% लोग जो है ना वो सनफजाल से ही करते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा आर्मी में भी ऑफिसर हैं, एयरफोर्स में भी ऑफिसर हैं, नेवी में भी ऑफिसर हैं। ये बहुत अच्छा कॉलेज है। आप अपने रिलेटिव के, अजीज़ वकारब के बच्चों को लाजमी अप्लाई कराएं। वो तमाम बच्चे जिनकी एज 1 अक्टूबर 2023 को 12 साल, मिनिमम 12 साल और मैक्सिमम 14 साल है, वो तमाम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन तमाम को अप्लाई कराएं। तो इस मुल्क इस कॉलेज का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर 100 बच्चा होता है तो 100 में से 98% बच्चे ओके होते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है।
और इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज है, इसमें आप लाजमी इसको अप्लाई कराएँ, और ये गवर्नमेंट पंजाब का कॉलेज है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे किसी और पीरियड कॉलेज की वीडियो अपलोड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।